सीखने के लिए, उनके प्रति मेरा भी ये फर्ज है कि वो आए ऑनलाइन ताकि हम डिस्कशन शुरू कर सकें। अभी जो बात कर रहे हैं वो हमारी डिस्कशन चल रही है वास्तु के टेंपल के लिए, कि नॉर्थ ईस्ट में टेंपल के लिए क्या। नवीना जी आ चुके हैं, वेरी गुड नवीना, वेलकम इन फेसबुक। ओके, गीता जी जैसी आराम, खनक भी आ चुकी है, और ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मंदिर के बारे में, घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए, घर में मंदिर कैसा होना चाहिए और कैसा प्रभाव होना चाहिए। वीडियो को रिस्टार्ट करते हैं कैमरा। आज का जो विषय है वो है मंदिर कहाँ हो, मंदिर कैसा हो, मंदिर के निर्माण के लिए कौन सा जोन हमें बताया गया है। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जो कि उत्तर और पूर्व का, दोनों दिशाओं का मेल का केंद्र बिंदु है, जहाँ दो दिशाएं आके मिलती हैं उत्तर और पूर्व, उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ईशान कौन कहते हैं। वहां के ग्रह हैं देव गुरु बृहस्पति, वहां के देवता हैं खुद भगवान शिव, या जो भी हमारे ईस्ट हैं हम जिन्हें स्मरण करते हैं, या जो भी हमारे गुरु हैं हम जिनका ध्यान करते हैं, तो वहां बैठ के उनकी पूजा आराधना की जा सकती है। अब ये भी कहना गलत होगा कि आपके घर में मंदिर का निर्माण सिर्फ और सिर्फ ईशान कोण में किया जाए। ये कहना बहुत गलत होगा कि आपके घर के मंदिर का निर्माण मात्र और मात्र ईशान में हो, ये गलत है। ये जरूरी नहीं कि ईशान में ही मंदिर बनाया जा सके, क्योंकि ये पॉसिबल कई बार नहीं होता कि ईशान कोण में मंदिर बनाया जा सके। मंदिर को अवॉइड करने की दिशाएं हैं साउथ, दक्षिण में मंदिर अवॉइड करना चाहिए, और पश्चिम, पश्चिम में भी मंदिर अवॉइड किया जाता है, क्योंकि पूजा का एक बेसिक रूल है कि जब भी आप पूजा करते हैं तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्व या उत्तर की अगर मैं बात करूं तो आपका मुख अगर पूर्व दिशा की ओर होगा तो आप भगवान के समक्ष बैठ के पूजा कर रहे हैं, ये समझें। और उत्तर दिशा में पूजा की जाती है धन के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए, कैश के लिए, इनकम के लिए, इन सभी दिशाओं में पूजा उत्तर की तरफ मुख करके की जाती है। अब मैं आपको क्लियर भी बिल्कुल ईस्ट वाइज, ईस्ट जोन से शुरू करके जो 16 जोन है वास्तु के, उनके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि कहां मंदिर बनाना शुभ है और कहां बनाना अशुभ है। शुरुआत करते हैं नंबर एक से, नंबर एक यानी कि ईस्ट। तो ईस्ट में आप मंदिर बना सकते हैं। नंबर दो बात है ईस्ट साउथ ईस्ट की, वहां के लिए ना है, वहां मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट के लिए, वहां भी मंदिर के लिए मनाही है, वहां भी मंदिर ना बनाए। ईस्ट में बना सकते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट नंबर दो। नंबर तीन साउथ ईस्ट में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। नंबर चार पे आता है साउथ साउथ ईस्ट, तो साउथ साउथ ईस्ट में भी मंदिर बना सकते हैं आप, परंतु साउथ साउथ ईस्ट में अगर आपने किचन ऑलरेडी बना रखी है, क्योंकि साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट दो ही जोन है किचन के लिए, तो किचन में मंदिर बनाने के लिए अवॉइड करना चाहिए, बेशक आप वैष्णो ही क्यों ना हो, परंतु साउथ साउथ ईस्ट में देवी की आराधना करने के लिए, हनुमान जी की आराधना करने के लिए मंदिर बनाया जा सकता है। अगर आपके एक फ्लोर पे किचन है, दूसरे फ्लोर पे आपका कोई रूम है, वहां आप बैठ के आराधना साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पे मंदिर बनाया जाता है। नंबर चार पे है साउथ साउथ ईस्ट, वहां मैंने आपको ऑलरेडी यस बता दिया। नंबर पांच पे साउथ की बात करता हूँ, वहां ना है। साउथ का जो एरिया है वो दिया गया है पितरों को, तो कहा यह जाता है कि पितरों को पूजना गलत रहता है श्राद्ध पक्ष के बिना। और साथ ही टिप भी देता हूं मैं आपको वास्तु का, कि हमेशा लोग पूछते हैं कि हम अपने पूर्वजों की, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनकी तस्वीरें कहां लगाएं। जैसे अभी मुकेश का सवाल आया था, मुकेश ने ये पूछा कि दादा दादी की, अभी वो नहीं है, पिताजी अभी नहीं है, उनके माताजी तो हैं, तो पिताजी की पिक्चर कहां लगाऊं, कौन सी दीवार पे लगाऊं, किस दिशा में लगाऊं, तो दक्षिण दिशा में उनकी तस्वीरें लगा सकते हैं, पितरों का स्थान दक्षिण है, ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं नंबर छह, साउथ साउथ वेस्ट, वहां भी मंदिर ना बनाए। साउथ 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 वेस्ट नंबर छह, साउथ वेस्ट नंबर सात, वहां भी मंदिर ना बनाए। वेस्ट साउथ वेस्ट में भी
मंदिर बना सकते हैं आप। नंबर अगर मैं 8 की बात करूं तो वेस्ट साउथ वेस्ट में मंदिर बना सकते हैं। नंबर 9 पे है वेस्ट, वहां भी मंदिर बनाया जा सकता है। और ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा, वेस्ट में जो जिन लोगों के मैं प्रैक्टिकली घर में गया हूँ मंदिर वास्तु करने के लिए, मैंने मंदिर देखे हैं, वहां मैंने ये देखा है कि वो लोग गुरु की आराधना बहुत ज्यादा करते हैं, गुरु के प्रति ज्यादा श्रद्धेय हैं। जैसे अब साईं बाबा की बात करूँ, जैसे मैं बात करूँ महावीर जी की, बुद्ध जी की, जो भी उनके गुरु हैं, चाहे वो शारीरिक रूप में है या नहीं है वो मैटर ही नहीं करता, परंतु वेस्ट में जिन लोग घर में मैंने मंदिर देखे हैं वो गुरु की आराधना जरूर करते हैं, उन पर गुरु की कृपा जरूर होती है। तो वेस्ट में मंदिर बनाया जा सकता है। वेस्ट का नंबर 9 है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के लिए मेरी ना है, वहां मंदिर ना बनाए, नंबर 10। नंबर 11 है नॉर्थ वेस्ट, वहां मंदिर बनाया जा सकता है, परंतु वहां धार्मिक किताबें नहीं रखनी चाहिए। मंदिर बना सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में नंबर 11 में, परंतु वहां पे धार्मिक किताबें ना हो, ये याद रखिए। नंबर 12 की बात करता हूं मैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वहां पे ना है मंदिर ना बनाए। नॉर्थ में यस है, मंदिर बनाया जा सकता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी एस है, नॉर्थ ईस्ट में भी एस है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी एस है। अब आप ध्यान से देखें, ईस्ट के और नॉर्थ के नॉर्थ मिड से, यानी कि अगर मैं नॉर्थ को नंबर 13 देता हूं और ईस्ट को नंबर 1 देता हूं, तो 13, 14, 15, 16 और 1, 7 ऐसे पॉइंट्स हैं, 7 ऐसे जोन है जहां मंदिर बनाया जा सकता है। वो 7 जोन कौन से हैं मैं दोबारा बता देता हूं आपको। पहला जोन है नॉर्थ, दूसरा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट, चौथा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, पांचवा है ईस्ट। ये 5 जोन बहुत सूटेबल है, वहां मंदिर बनाए तो ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। और आगे चलते हैं, ईशान कोण में ही मंदिर बनाना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ। आप बाकी जगह भी घर में मंदिर बना सकते हैं। सूटेबिलिटी ज्यादा है मंदिर की नॉर्थ ईस्ट में, ज्यादा सूटेबल हम कहते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करता हूँ तो N8 और E1 की बात कर रहा हूँ, N8 और E1 की बात कर रहा हूँ, वहां मंदिर बना सकते हैं। और मैं आपको ऑलरेडी ईशान कोण के ग्रह बता चुका हूँ, देव गुरु बृहस्पति और देवता है रुद्र, भगवान रुद्र शंकर जी, जहां मंदिर बनाया जा सकता है। और नॉर्थ ईस्ट ना केवल अगर आप पूजा रूम के लिए नॉर्थ ईस्ट को नहीं यूज कर रहे, तो आप उसे यूज कर सकते हैं ड्राइंग रूम के लिए, गेस्ट रूम के लिए, लिविंग रूम के लिए, मेडिटेशन रूम के लिए, और स्टूडियो के लिए। अगर आपने घर में कोई ऑफिस बनाया हुआ है तो वहां ऑफिस बना सकते हैं, कोई कारखाना वगैरह नहीं, कोई मशीनरी तो नहीं, परंतु ऑफिस वहां बना सकते हैं, स्टूडियो वहां बना सकते हैं। राइटिंग का काम करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, तो वो कोना बहुत ज्यादा शुभ है आपके लिए। किड्स रूम बना सकते हैं, गेस्ट रूम बना सकते हैं नॉर्थ ईस्ट को। तो ये है नॉर्थ ईस्ट की महिमा। क्या नहीं बनाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में? सबसे पहले अवॉइड करते हैं टॉयलेट और वॉशरूम, नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए। अब जब मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं N8 और E1 की बात कर रहा हूं, ये आपको समझना होगा, क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। अब फिर पूजा करते हुए किधर मुख होना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपका चेहरा पूरब की तरफ होना चाहिए या उत्तर की तरफ होना चाहिए। कुछ ग्रंथों में ये भी जिक्र मिलता है कि ब्राह्मण का चेहरा उत्तर मुखी हो, और जो पूजा करवा रहा है, मतलब जो पूजा करवा रही है, जजमान जिसे हम बोल देते हैं, जो भक्त है पूजा करवा रहा है, उसका चेहरा उत्तर की तरफ, पूज उसका चेहरा पूरब की तरफ हो तो ज्यादा बढ़िया। आप समझ चुके होंगे, क्लियर हो चुका होगा। अगर समझ गए अब तक तो प्लीज वाई लिख दे, दोबारा शूट कर ले वीडियो में, ताकि अगर समझ चुके हैं तो प्लीज वाई लिख दीजिए, ताकि आपको क्लियर हो सके कि क्या आपको प्रयास करवा रहा हूँ। अब आप सवाल पहले इससे जुड़े सवाल पूछ लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि शास्त्रों में ऑलरेडी कहा गया है, ऑलरेडी ये कहा भी जाता है कि एक बहुत अच्छी एक कहावत है कि पूजा भोजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि आपके घर की औरत, आपकी बहन बुआ बेटी, उसको लेकर के घर घर नहीं भटकना चाहिए, दर दर नहीं फिरना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये पर्दे के अधिकारी हैं। ऐसे ही आपकी भक्ति, आप किसकी भक्ति करते हैं, क्या भक्ति करते हैं, अपने गुरु के सिवा किसी से शेयर मत कीजिएगा, तो गलत इम्पैक्ट उसका आता है कि मैं इस देवता की पूजा कर रहा हूँ। या कुछ मैंने देखा है, हर हर धर्म में ही मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसे गप्पे हाँकते हैं कि मैंने 10 बार दुर्गा सप्तशी का पाठ कर लिया है, मैं 2 बार गीता पढ़ता हूँ, ये करता हूँ। तो ये तीनों ही चीजें, मतलब भक्ति भोजन और नारी, तीनों पर्दे के अधिकारी। इससे जुड़ा हुआ एक दोहा और मुझे तुलसीदास जी का याद आता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शुद्र पशु नारी,
पांचों सकल ताड़न की अधिकारी। अब ये दोहे का ना मतलब गलत ले लिया जाता है। दोहे में कहा जाता है कि ताड़ना मतलब पीटना, इसका अर्थ पीटना नहीं है, क्योंकि कोई भी भगवान से जुड़ा हुआ भक्त कभी भी इस बात की टिप्पणी नहीं करेगा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न की अधिकारी, कभी भी ये टिप्पणी कर ही नहीं सकता। उस शब्द को मतलब उसका बदल के उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। ताड़ने का अर्थ है उस पे दृष्टि रखना, उसको वॉच करना। अभी भी गुस्से में अगर आप देखें तो अभी भी अगर बिहार की तरफ जाते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं, हरियाणा में भी कहीं कहीं अभी भी कहा जाता है कि मुझे क्यों ताड़ रहा है। ताड़ना मतलब क्या है? देखते ही रहना, देखते ही रहना। अब उस दृष्टि के भाव अलग हो सकते हैं। तो भगवान के उस भक्त ने तुलसीदास इसलिए कहा था, ताड़न के अधिकारी का अर्थ ये था कि आप उस पे आंख रखिए, आप उस पे आंख रखिए, अपनी बेटी पे दृष्टि रखिए, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, अपनी धर्म पत्नी के स्वभाव को देखिए, उसके स्वभाव में कुछ बदलाव है तो पूछिए क्या बात है, आज उदास हो, बात नहीं हो पा रही है। तो ऐसे ही ढोल के लिए कि उसे देखना है पहले, माने कि ढोल की ताल, अगर ढोल गीला है या पॉसिबिलिटी है तो देखने से ही आप समझ पाएंगे कि मूवमेंट क्या है, आप सुर पकड़ पाएंगे उसका। तो ताड़न के अधिकारी, तो इसका मतलब ये मैंने इसलिए इसके साथ जोड़ दिया क्योंकि इसका मतलब एक था। जैसे कि अब तीनों शब्दों के लिए बोला जाता है कि भोजन भक्ति और नारी तीनों पर्दे, तो आपका मंदिर जैसा भी हो कवर होना चाहिए और साफ होना चाहिए। मंदिर में मैं आगे जोड़ता हूं कि एक अगर आप अंगूठे को यूं रखते हैं तो इससे बड़ी मूर्ति हो तो ज्यादा बढ़िया है, और कहा यह जाता है कि आपकी लंबाई के तिहाई हिस्से से ज्यादा बड़ी मूर्ति ना हो। अगर आपकी हाइट 6 फीट की है तो 2 फीट से ज्यादा बड़ी मूर्ति ना हो। अगर आपकी हाइट 5 फीट की है तो उसी के हिसाब से आप उसे डिवाइड कर सकते हैं कि 1.5 फुट 2 फुट से ज्यादा, मतलब उसको इंचिस में बांट लेंगे तो 20 इंचिस से ज्यादा की बड़ी मूर्ति ना हो। तो ये नॉर्मली कहा जाता है कि भक्ति आराधना के लिए मंदिर में बड़ी मूर्तियां इसलिए होती हैं, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ठीक है, एक ही देवता की 5, 7, 10 मूर्तियां रखना गलत है। गणेश जी के लिए ये कहा जाता है कि 5 गणेश जी घर में नहीं होनी चाहिए। सुपारी भी गणेश जी माने जाते हैं, सुपारी के लिए बात की जाती है। शिवलिंग 2 ना हो घर में, अगर शिवलिंग रखते हैं तो उसको रोज दूध से स्नान ना करवाएं, उससे भी गलत इम्पैक्ट आता है, गलत कहा जाता है। तो मंदिर के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं। उनका कैन वी मेक टेम्पल ऑन अंडरग्राउंड वाटर टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक इन ऑन नॉर्थ ईस्ट? नो, नो एंड नेवर। अभी इनका विनीश जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि मंदिर क्या हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं? नहीं, कभी भी तहखाने में, तिजोरी में, बंद में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, और भार के नीचे मंदिर कभी ना बने, वो गलत है। एक सवाल और आया था कि फ्लैट्स में तो नॉर्थ ईस्ट कोना सबका सेम होता है, मान लीजिए नीचे हिंदू फैमिली रहती है, ऊपर मोहम्मदन या सिख फैमिली रहती है, तो हो सकता है उनके पूजा पाठ का नजरिया अलग अलग हो, या वो पूजा पाठ ऊपर वाले ना ही करते हो, नीचे वाले ना करते, तो वहां ईशान का अर्थ क्या रहेगा? देखिए, वास्तु का जुड़ाव आपके मकान से है, आपसे है, आपके सबकॉन्शियस से है, उससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं है कि ऊपर वाले ने कहा फ्लैट बनाया है, कहाँ फ्लैट नहीं बनाया, ये हमारा तात्पर्य ही नहीं। तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, अब फेसबुक पे भी सवाल आ गए, मैं कुछ पूछ लेता हूँ। डू द डोर्स ऑफ पूजा शेल्फ बी क्लोज आफ्टर पूजा? नो नवीना, अनटिल एंड अनलेस देर शुड बी नो एंटरिंग इनटू अनदर फेस। जैसे हम पहर बोलते हैं कि एक पहर से दूसरे पहर में जाते समय कभी भी मंदिर का द्वार बंद नहीं करना चाहिए, मतलब एक पहर तो खुला रहेगा। अगर आपने सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच पूजा प्रार्थना की है तो आप 12 बजे तक खुला रखिए, 12 से 4, 12 से 5 आप विश्राम करवा सकते हैं, शाम को फिर खोल देंगे, रात को फिर आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मिथ हैं, हमने बनाए हुए हैं। भगवान कभी सोते नहीं है, भगवान को विश्राम की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा हृदय कभी विश्राम नहीं करता, वैसे भगवान भी कभी विश्राम नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक के हृदय में भगवान का वास होता है। उसके बाद मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए मूर्ति की? मिनिमम हाइट 6 इंच कहा जाता है कि कम से कम 4 इंच, मतलब ये जो चीज है आपके घर के मुखिया के अंगूठे की, इसको देखिए 4 इंच की होगी या 6 इंच की होगी, उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट उदाहरण है। आप बाजार जब मूर्ति लेने जाएंगे तो ये बेस्ट है,
मैं 6 इंच बोल दूंगा, 4 इंच बोल दूंगा, ये जरूरी नहीं है। 4 इंच की वैसे मूर्ति रफली उससे बड़ी मूर्तियां ही अच्छी हैं, उससे नीचे खिलौना कहा जाता है, खिलौना, क्योंकि वहां पे चेहरे के भाव स्पष्ट नहीं हो पाते। अगर हाथ में अगर कोई कमल का पुष्प है, मान ली सरस्वती माता के, ब्रह्मा जी के वेद हैं, या विष्णु जी के हाथ में चक्र है, तो उसकी जो गरिमा है वो स्पष्ट नहीं हो पाती। क्या फोटोज भी रख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल फोटो रख सकते हैं आप।